हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू आर विल पब्लिक स्कूल स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी। टुडेज बुक रीडिंग लेसन नंबर 1, आओ उसको शीश झुकाते हैं। इस पोएम के जो राइटर हैं द्वारका प्रसाद महेश्वरी। जिसके सूरज की किरणें नित सोना सा बरसाती हैं, फूल खिलाती उस कणों को मोती सा चमकाती हैं, जिसका चंदा धुली चांदनी देता चांदी से उज्जवल, जिसके तारे नभ में करते रहते हैं झलमल झलमल, जिसकी नदियां कल कल करती बहती हैं रुकती न कभी, जिसकी पर्वत मालाएं सिर उठा खड़ी झुकती न कभी, उसके हम सब प्यारे बच्चे उसको हम सब भाते हैं, उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। स्टूडेंट, इस पोएम ये प्रार्थना बहुत ही प्यारी सी है। राइटर ने इसका वर्णन बहुत ही सुंदर सा किया है। इसमें बताया गया है जिसकी सूरज की किरणें, जब सुबह होता है सूरज निकलता है तो उसकी किरणें जो हैं सोना सा बरसाती हैं, फूल खिलाती हैं, जो रात को ओस के कण गिरते हैं वो मोती सा चमकता है। जब उसकी प्रकाश की किरणें उस ओस के कणों पर गिरती हैं तो वो कैसी मोती सी चमकती हैं, और चंद्रमा, जो चंद्रमा है उसकी धुली चांदनी, और रात में जब चंद्रमा निकलता है जो उसका अपना प्रकाश जो फैलाता है चंद्रमा, वो इतना उज्ज्वल सा होता है, और नभ में जो तारे होते हैं, आकाश में जो तारे होते हैं वो झिलमिल यानी चमकते हैं, चमकते रहते हैं, और नदियां हैं वो कलकल करती हैं, बहती हैं, वो कभी रुकती नहीं हैं, और पहाड़ हैं, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वतमालाएं से सिर को ऊंचा करके हुए उठाए हुए खड़े हैं, वो पहाड़ कभी झुकते नहीं हैं, और हम सब प्यारे बच्चे हैं, हम छोटे छोटे से प्यारे बच्चे हैं, ये सब हमको बहुत अच्छा लगता है। हम सब मिलकर उनके लिए अपना शीश झुकाते हैं। स्टूडेंट, आप इसको लय में अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट।